बात जहां पर हो रही है कंपनीज के नेग्लिजेंस की, तो वहां पर बात करते हैं एप्पल की। एप्पल जनरली एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब सामने नहीं आती नेग्लिजेंस की। जब बात होती है ना, एप्पल का नाम सामने नहीं आता। एप्पल बड़ी मोहतात रहने वाली कंपनी है, ऐसे वो आंखें उठ खड़ी और सारा कुछ। लेकिन भाई खबर ये आई है कि एप्पल के ऐप स्टोर के अंदर बिटकॉइन के रिलेटेड एक ऐप थी, जो कि बेसिकली शो ऐसे होती थी कि एक वॉलेट ऐप है, लेकिन वो जो ऐप थी वो एक फेक ऐप थी, और उस ऐप के थ्रू 1.6 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन जो हैं वो चोरी हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये कोई एंड्रॉयड ऐप होती ना, समझ आती थी। बिल्कुल। आईओएस के केस के अंदर आईफोन में जब भी आप कोई ऐप करना चाहते हो, $100 की तो डेवलपर कॉस्ट है। वो एप्पल इसीलिए लेता है ताकि वो हर एक ऐप को चेक कर सके कि वो रियल है या और नहीं। और एप्पल का प्ले स्टोर जो है, मतलब वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर ही ज्यादातर जाना एप्पल हमेशा इसी चीज पे तो ढिंढोरा पीटता है। तो जब ये काम हुआ है तो इस पे बड़ा मसला आया है। और एप्पल के साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि एप्पल भी अभी बिटकॉइन वगैरह चीजों को समझ रहा है। बिटकॉइन इतना नया है कि इवन जो नई मतलब बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी इस चीज को चेक कर पाना कि ये रियल ऐप है या फेक ऐप है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एप्पल के पास कौन सा तरीका है कि वो देखे कि अगर कोई बंदा स्कैम करने वाला है या नहीं करने वाला। लेकिन एप्पल को स्पेशली इस चीज को ख्याल में लेकर आना पड़ेगा कि जितनी भी एप्स पैसे को डील कर रही हैं बैकएंड पे, उनको चेक किया जाए, उनको वेट किया जाए, देखा जाए कि कौन बंदा उस ऐप को चला रहा है, कौन बंदा उसको यूज कर रहा है। क्योंकि इतने ज्यादा पैसे अगर जाएंगे तो लोगों का जो एप्पल इकोसिस्टम है उससे जो यकीन है वो उठ जाएगा। क्योंकि लोग एप्पल खरीदते ही इसलिए हैं कि वो ज्यादा सिक्योर होता है। और मतलब इस चीज को देखते हुए अब एप्पल को थोड़ा सा ज्यादा अपनी सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही।